तो लिखा है द मिडनाइट विजिटर, इसको लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है, ठीक है, रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है। तो ये कहानी ना एक ऐसे जासूस के ऊपर है और जासूस के ना समझदारी के ऊपर है। ओजेबल नाम का एक जासूस है जो मोटा सा है, तो वो जो ओजेबल नाम का जासूस है ना, उसको देखने में लगता है ना वो जासूस नहीं है, लेकिन ना उसमें जासूस जैसे सारे गुण हैं। तो कहानी ये है कि जो ओजेबल होता है ना, उसके पास कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो बताया नहीं किस चीज़ का सीक्रेट है, हथियारों का है, किस चीज़ का है, क्रिमिनल्स का है। तो उसके पास ना कोई एक डॉक्यूमेंट है, तो उसके पास ना एक दूसरा एजेंट होता है, वो उससे ना वो डॉक्यूमेंट छीनने के लिए आता है। और ये जो ओजेबल है, इसके साथ ना ये जो राइटर है जो हमें कहानी सुना रहा है, वो भी उसके साथ रहता है। तो वो ना बताता है कि जैसे ही वो कमरे में जाता है ना ओजेबल के, जो कि शायद छठे माले पे है, पाँचे छठे माले पे जाता है ना उसके साथ, ओजेबल के साथ कमरे में, तो वो कमरे में जब जाता है तो वो देखता है कि पहले से ना वहाँ पे एक मैक्स नाम का आदमी पहले से पिस्तौल ताने खड़ा है। तो ये राइटर घबरा जाता है और वो जो ओजेबल है वो भी घबरा जाता है। तो राइटर को लगता है कि अब तो गई जान, लेकिन जो ओजेबल होता है ना, जो जासूस होता है, वो घबराता नहीं है बंदूक के सामने, वो एकदम नॉर्मल बात करता है। वो बैठ जाता है और उसकी आँखों में आँखें डाल के ना उसको बोलता है कि आज फिर मेरे घर में देखो कोई घुसाया घुसपैठिया, बार बार इस बालकनी से कोई ना कोई घुसा आता है। मेन गेट से कहता है नहीं घुसा होगा, वो कह देता है ना ये बालकनी से घुसा होगा, यानी खिड़की से घुसा होगा। वो कह देता है ना कि ये जो खिड़की है इसके उस तरफ बालकनी है जिसको रिपेयर नहीं कराया था होटल वालों ने, और उधर ही से कोई ना कोई हर बार घुस आता है। तो वो मैक्स को विश्वास दिला देता है ना कि ये जो तुम आए हो ना, तो तुम्हारे आने से पहले और भी लोग आते थे और वो इसी खिड़की से होकर जिसके उस तरफ बालकनी है वहीं से सब आ जाते हैं। तो वो पूछता है मैक्स कि चलो होशियारी मत करो, अपने हाथ ऊपर करो। वो हाथ ऊपर नहीं करता, बोलता है चलो सच बताओ, वो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है या आएंगे? तो कहता है मेरे पास तो डॉक्यूमेंट आने वाले हैं। फिर कहता है कि लेकिन मैंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, तो गेट के बाहर पुलिस खड़ी है, अगर वो बाहर वाले जब भी गेट खटखटाएंगे और मैं नहीं खोला तो वो अंदर घुस आएंगे ज़बरदस्ती और गोली चला देंगे। तो ऐसे उसे वो झूठ बोल देता है। और मैक्सवेल जो मैक्स होता है ना, दूसरा वाला जो जासूस, वो ना उसकी बातों को सच मान लेता है। और कहानी आगे चलते चलते ये होता है कि एक असली में जो गेट पे ना वेटर आता है पानी वानी लेकर, तो वेटर जब बेल बजाता है तो ओजेबल कह देता है देखो पुलिस आ गई, मेरे लिए ही आई है, और तुम्हें अगर पिस्तौल देखेगी हाथ में तो मार देगी। तो बचने का यही उपाय है कि तुम ना इस खिड़की से चले जाओ, मैं उन्हें नहीं बताऊँगा। तो वो उसी बात में आ जाता है, वो खिड़की खोलने जाता है और वो खिड़की से एक पाँव रखता है और दूसरा पाँव भी रख रहा होता है, और वो गेट खोलता है तो वो सोचता है कि बालकनी होगी और वो खिड़की से कूद जाता है। बल्कि वो खिड़की नहीं होती, वो पाँचवीं छठी मंजिल का खिड़की होता है, वहीं से वो कूद जाए वो गिर जाता है। तो फिर वो जो दूसरा वाजो जो हमें कहानी जो उसके साथ राइटर खड़ा था, वो उससे पूछता है कि वहाँ बालकनी है वास्तव में? वो कहता है वहाँ कोई बालकनी नहीं है, वहाँ तो वो वापस ही नहीं आएगा कभी। यानी वो इतना बड़ा झूठ बोल देता है। तो ये जासूस की विशेषता होती है। तो ये उसी के ऊपर कहानी है। तो समरी ये है कि द स्टोरी इज अबाउट अ फैट, ये जो कहानी है किसके बारे में, एक मोटे क्विक विटेड यानी तेज बुद्धि वाला, क्विक विटेड माने तेज बुद्धि वाले और शार्प सीक्रेट एजेंट, और वो भी तेज रहस्यमयी एक एजेंट के बारे में है, जासूस के बारे में है, जिसका नाम ओजेबल बताया गया है। हु नॉट ओनली डज नॉट लुक लाइक एन एजेंट, जो देखने में ना एकदम एजेंट के जैसा नहीं लगता है, बट आल्सो हैज एन अमेरिकन असेंट, लेकिन देखने में ना एकदम अमेरिकन तरीके का ही दिखता है जासूस। ही इज अकम्पनीड बाय फॉलर, फॉलर एक और आदमी है इसके साथ जो हमें कथा सुना रहा था, फॉलर, वही जो फॉलर नाम है ना ये दूसरा है, ये राइटर है। देखो अभी यहाँ पे राइटर का नाम दूसरा आ रहा है और यहाँ राइटर एक दूसरे को आ जा रहा है, तो इसमें राइटर का नाम अलग है और ये राइटर अलग है। तो कई बार लगता है बच्चों को कि राइटर का नाम ही फॉलर है, ठीक है, लेकिन इस नाटक में ये राइटर है। तो ही इज अकम्पनीड बाय फॉलर, ए राइटर, वो कहता है वो साथ में किसके आता है, कंपनी माने साथ में, वो साथ में आता है फॉलर नाम के आदमी के साथ जो कि एक राइटर है। टू हिज रूम इन ए होटल, वो उसके रूम में होटल में आता है।
जहाँ पर, वेयर मैंने जहाँ पर, ऑजेबल इज टू रिसीव ए टॉप सीक्रेट ऑन मिसलेस, कहते हैं जहाँ पे ऑजेबल को एक बहुत ही मिलने प्राप्त होने वाला है एक टॉप सीक्रेट ऑन मिसाइल्स, सॉरी ये मिसाइल्स लिखा है, तो मिसाइल्स के बारे में कोई टॉप सीक्रेट बात ऑजेबल को आज इस होटल में मिलने वाला था। तो इस होटल के एक रूम में राइटर फोलर के साथ वो जाता है, होटल के रूम में मिलने जाता है, उसी रूम में उसको कोई एक सीक्रेट फाइल मिलने वाली थी मिसाइल्स के बारे में। हाउएवर हालांकि दे आर कन्फर्म बाय मैक्स एंड अनदर सीक्रेट एजेंट, कहता है कि वहाँ पर एक दूसरा एजेंट मैक्स जो है वो कन्फर्म, उसे पता था कि इसी रूम में यहाँ पर ही वो फाइल आएगी टॉप सीक्रेट वाली, तो वो इसीलिए वो वहीं तैनात हो जाता है। हु विशेज टू सेबोटेज ऑजेबल प्लान एंड टेक द रिपोर्ट अवे फ्रॉम हिम, तो जिसकी इच्छा होती है कि वो ऑजेबल से और उसका जो भी प्लान है उसको पता करना और उससे उस रिपोर्ट को ले लेना, उसका ये इरादा था मैक्स का जो दूसरा एजेंट है। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हिम ऑजेबल टॉक्स ऑफ ए बालकनी अंडर हिज रूम, अपने आप को बचाने के लिए ऑजेबल कह देता है कि इस रूम में खिड़की, विंडो माने खिड़की के दूसरी तरफ एक बालकनी है। वेयर ही बिलीव्स मैक्स हैज़ एंटर द रूम, जिससे वो मैक्स को विश्वास दिलाता है कि तुम भी उसी रूम से आए हो, बालकनी से ही, यानी तुम आए हो इस रूम में। वैन देयर इज ए नोक ऑन द डोर, तो जब ना दरवाजे पे कोई खटखटाता है तो ऑजेबल गिव्स द इम्प्रेशंस दैट, और ऑजेबल ऐसा इम्प्रेशन देता है कि इट इज़ ए पुलिस, के पुलिस होगी, मतलब जो गेट पे अभी जो दरवाज़ा खटखटाया है वो कोई और नहीं, पुलिस ही होगी। दैट हैज़ कम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑजेबल फॉर द रिपोर्ट, जो ना उसकी सुरक्षा के लिए आई है, उस रिपोर्ट की सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। तो पुलिस जो बाहर है वो ऑजेबल के ही रिपोर्ट की सुरक्षा के लिए है। दिस, तो इस तरीके से जो फ्लस्टर मैक्स, तो मैक्स जो होता है वो फ्लस्टर से, यानी घबरा जाता है। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड बींग कैचिंग बाय द पुलिस, और वो टालना चाहता है कि वो पुलिस में पकड़ा ना जाए, तो वो जंप्स ऑन टू द बालकनी थ्रू द विंडो, तो खिड़की से पुलिस से बचने के लिए वो खिड़की से क्या कर देता है, जंप ऑन टू द बालकनी, वो बालकनी समझ के वहाँ पे क्या लगा देता है, जंप लगा देता है खिड़की से, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो पुलिस एट द डोर, हालांकि दरवाजे पे कोई पुलिस नहीं थी, ओनली ए वेटर, वहाँ पे कौन था, केवल एक वेटर था डिलीवरिंग प्री ऑर्डर्ड मिल्क, जो कि वहाँ पे पहले से ऑर्डर वाले ड्रिंक को ला रहा था, ड्रिंक डिलीवर यानी वो सुपुर्दगी करने आया था, कोई ड्रिंक देने आया था। एंड नीदर इन देयर एनी बालकनी अंडर द विंडो, और खिड़की के नीचे कोई वहाँ बालकनी भी नहीं थी। जस्ट ए फॉल टू हिज डेथ फॉर मैक्स, वो केवल एक फॉल यानी एक झूठा था, एक झूठी बात थी जिसकी वजह से उस मैक्स की मृत्यु हो गई, वो मर गया होगा, ये बताया नहीं कन्फर्म कि मर गया है कि नहीं, लेकिन गिर के मर गया होगा ये बताया गया है, ठीक है, इतना ही मतलब इसमें था। आगे तो समझे।